आज हम बना रहे गुलाब जामुन की रेसिपी, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गिट्स का डब्बा लिया है, ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो पूरा एक पैकेट हम लेंगे और उसको बनाएंगे। तो पहले इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम पानी से इसका डो बना रहे हैं। आप चाहे तो दूध का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हल्का पानी यहाँ पे हमने ऐड किया है और इसे धीरे धीरे गूंदेंगे। एक बार में हम पूरा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा, फिर अच्छे से हमारा गुलाब जामुन जो है नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हमें गूंथना है अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो इसे हम रेस्ट करने के लिए 5 मिनट रख देते हैं। तो साइड कर देते हैं इसे, हम यहाँ पे ढक देंगे किसी भी प्लेट या फिर बाउल से इसे ढक देना है हमें। अब हम बनाएंगे चाशनी जो गुलाब जामुन के लिए होगी। तो चलिए सबसे पहले हमें एक पतीला चाहिए, कोई भी भगोना आप ले सकते। उसमें हम डाल देंगे 3 से 4 गिलास पानी और यहाँ पे चीनी हम 1/2 kg यानी 1/2 किलो चीनी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक पैकेट हम यहाँ पे गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो पानी और चीनी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, 1/2 किलो चीनी डालेंगे। और चाशनी को हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें चाशनी वैसी बनानी है कि ज़्यादा वो चिपचिपी ना हो, बस वैसी हो कि हाँ गाढ़ी हो गई है, ज़्यादा चिपचिपी एक तार वाली नहीं बनानी है। इसे चला लेंगे और आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डालूँगी ताकि जो चाशनी का टेस्ट हो थोड़ा और अच्छा आ जाएगा जब इसमें हम गुलाब जामुन डालेंगे। तो यहाँ पे आटा अच्छे से सेट हो चुका है, तो यहाँ पे हम घी यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में ले लेंगे। घी को हम फैला लेंगे अपने हाथों पर और उसके बाद हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे गुलाब जामुन के। गुलाब जामुन को आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लड्डू वाला शेप बना रही हूँ गोल। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा लोई हमने लिया है जो पूरी के साइज़ का होता है, जो पूरी के लिए हम लोई लेते हैं उतनी बड़ी हम लोई लेंगे। आप चाहे तो बड़ा गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी को बना के रेडी कर लेते हैं। हमें एक बार में सारे बॉल्स को रेडी कर लेना, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन तो हर किसी का फेवरेट होता है, तो आप अपने घर पे किस तरीके से बनाते हैं इस गुलाब जामुन को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी गुलाब जामुन को यहाँ पे बना के, मतलब जो बॉल्स है उसके बना के रेडी कर लिए गए। चाशनी भी यहाँ पे उबल रहा है, तो चाशनी के पतीले को हम साइड वाले गैस पे कर देते हैं, उस पे उबलेगा ये। और यहाँ पे सभी को हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पे चाशनी में हम 1/2 चम्मच इलायची यानी हरी वाली इलायची का पाउडर यहाँ पर डालेंगे, मिला लेंगे। और एक अच्छा उबाल आने के लिए हम दूसरे वाले पे साइड में रख देते हैं। गैस पे हम कढ़ाई रख देते हैं, कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं या वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल यहाँ पे हमने कढ़ाई में डाल दिया है, 2 मिनट हम वेट करेंगे ताकि जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा धुआँदार तेल भी नहीं चाहिए, नहीं तो उससे गुलाब जामुन जो है वो जल जाएंगे। तो हल्का यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, तो यहाँ पर मैं एक गुलाब जामुन डाल के चेक कर रही हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। तो सभी को हम एक बार में नहीं डालेंगे यहाँ पे, हम पहले तो आधा डालेंगे, उसके बाद हम दूसरे राउंड में दूसरा आम बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से गुलाब जामुन को डाल दिया, चम्मच के हेल्प से इसे हमें चलाते रहना है ताकि जो गुलाब जामुन हो चारों तरफ से अच्छे से पके, अच्छे से सीखे। ऐसा ना हो कि अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो एक साइड ये ब्राउन होगा और दूसरी साइड इसका कलर दूसरे कलर का हो जाएगा, तो ये 2 कलर के बन जाएंगे। तो इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है ताकि हर साइड से अच्छे से पके। आप देख सकते हैं इसमें जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन कलर आया है। और गैस को मैंने यहाँ पे लो फ्लेम पे ही रखा है, इसे हमें मीडियम या हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो जो गुलाब जामुन पकेगा वो फ्राई होगा वो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा ही रहेगा। तो इसे हमें लो फ्लेम पे ही
फ्राई करना। और दूसरे साइड आप देख सकते हैं चाशनी भी हमारा उबल रहा है। तो देख सकते हैं गुलाब जामुन का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जो गुलाब जामुन है वो अच्छा खासा कलर आ गया। तो थोड़ा सा इसे हम और डार्क करेंगे। अगर आपको ऐसा कलर चाहिए तो आप इस टाइम पे भी इसे निकाल सकते हैं साइड में। मुझे थोड़ा सा और इसे डार्क करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको डार्क करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, साइड कर लेते हैं इसे, और दूसरी बार जो हमें फ्राई करना है उसे भी इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कलर चाहिए तो इस कलर का हमने यहाँ पे बनाया है। तो इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं और एक बार में ही हम सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डालेंगे, आधा आधा करके नहीं डालेंगे। नहीं तो उससे ये होगा कि आधे गुलाब जामुन में चाशनी जाएगी और दूसरे में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे गुलाब जामुन को। ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गुनगुना है। तो इसमें हम डाल देंगे सभी गुलाब जामुन को और इसे हमें 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि जो इसमें चाशनी वो अच्छे से पी ले इसे। तो यहाँ पे मैंने इसे होल नाइट के लिए छोड़ दिया था और ये देख सकते हैं कि अच्छे से फूल चुका है गुलाब जामुन और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो मैं इसे यहाँ पे कट करके भी ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देखिए कि कितना अच्छा ये अंदर से लग रहा है जब मैंने इसे कट किया, काफ़ी अच्छा कलर आया है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।